Good musician, that's been good. Tomorrow's night. It's not a good experience. I would just like to say that I strongly believe that in this world, मैं इस दुनिया में आया हूँ एंड आई हैव समथिंग टू से और मैं उस किसी और तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता. द ओनली वे आई कैन एक्सप्रेस व्हाट आई फील इज थ्रू म्यूजिक एंड दैट्स द ओनली वे. आई गेस म्यूजिक इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन. ये आपका एफर्ट है, फीलिंग है आपका ऐसा कि मैंने कुछ बताना है और उसको म्यूजिक के आई एम वेरी बैड विद वर्ड्स. आई एम वेरी बैड विद एक्सप्रेसिंग टू पीपल टाइम्स. I'm very bad with friendships at times. I'm so very bad with relationships at times. Not through music. But I, whatever I feel, I can very easily express myself through music. Oh, that's wow. That's something. Really. I wish I was a musician. I'm very fond of listening good music, not bad music, but good music. वैसे दे ऐसे कि you should listen to good music क्योंकि अगर आप bad music सुने तो आपको ऐसा ऐसा आदत हो जाएगी. You adapt. ये मुझे किसी बड़े अक्लमंद आदमी ने कहा था कि अगर आप एक मीडियोक्री सुनते रहते हो ना द पैसेज ऑफ टाइम तो यू गेट यूज्ड टू इट. अच्छा एक मेरे थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो आज का हमारा टॉपिक. क्या पैरोडी को भी आप इस चीज में ला सकते हो? पैरोडी इज एंटायर समथिंग व्हिच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फन. पैरोडी तो ह्यूमर रिलेटेड है ना. इट्स नॉट. नो 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 इट्स नथिंग टू डू आपको तो पता होता है कि किस चीज की पैरोडी है, किस गाने की पैरोडी. तो यू आप तो बनाते ही जानबूझ के. फॉर एग्जांपल आपका सॉन्ग है उसकी मौखिक तोड़ी. बिल्कुल. आई वुड लव इट. इवन दैट इज अ पब्लिसिटी. इवन दिस पब्लिसिटी एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी आई बिलीव. एक्सेप्ट प्लेगरिज्म. अगर को हमारे बारे में 25 स्कैंडल्स बनते तो आई वुड लव टू हैव. What would you say? What is the role of media? Print, electronic, no. It is very strong, but if it. If it is projected. I would say something. जो भी आपने बात की थी ना दो बेटियों वाली उसपे मेरे माइंड में ये. I would say something really harsh. Most of the things that you जो आप अखबार में पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें जो आप टीवी पे बहुत जगह देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप सुनते हैं रेडियो के ऊपर. A lot of it is through contacts. कि यार ये मेरा जानने वाला तो उसका चलाओ. अभी तो माशाल्लाह से देखें चैनल्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं तो you can promote as much as you want. As much as you want, but still, बहुत सारा music is left untapped. बहुत सारा music undiscovered रह जाता है. बहुत सारे amazing artists जो हैं वो बेचारे आते हैं और चले जाते हैं. Underrated चले रह जाते हैं. मैं दो vocalist, मैं मुल्क में दो amazing vocalist I would take name. एक सलमान यासीन इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आर एंड अदर दिस दिस अहमद किले वोकलिस्ट. आई रियली रिकॉग्नाइज वोकलिस्ट एंड उनके वोकल रेंज और उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ. लेकिन वेरी ऑनेस्ट उनको प्रमोशन नहीं मिल सकी. उनको उन लोगों को इतना पहचान नहीं सकी. स्पेशल सलमान यासीन एक्चुअली अगर वो गाता तो द बेस्ट वोकलिस्ट. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं भाई आप? हाँ जी हम ठीक है. हम पूछना चाहता है कि आप ये सारा जो म्यूजिक लिखता है कौन लिखता है और ये कितना लगा है? बिल्कुल. जहाँ तक लिरिक्स की बात है तो लिरिक्स मैं लिखता हूँ और जहाँ तक मौसीकी लिख बात है तो हम सारे बैंड ऑल ऑफ अस हम डिफरेंट पार्ट बनाते हैं. डिफरेंट मेलोडीज के ऊपर काम करते हैं जबकि मैं और सरमत के बैठ काम करेंगे और मैं और शेख हम सब प्लेयर्स होते हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करके एक फिल्म प्रोडक्ट बनाते हैं. चलिए आपको उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा अपनी बात. अच्छा इसके अलावा क्या इसके अलावा ये इसके अलावा कौन सी कॉल है? इसके अलावा क्यों साथ की? अच्छा तो हेलो शाम वालेकुम सलाम. कैसे कहाँ से बात कर रहे हैं? पेशावर. ओके वी हैव उमेर दस और आपने टॉपिक सुना.
music plagiarism. Yes. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Well, since I don't have idea about it, but ये कहना चाहूँगा कि actually मैंने कॉल इसलिए किया कि उमर भाई को from the store people, especially from Edwards College students. उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे वेलकम पीस मैं खुद पेशाब के वहां एडवर्ड्स कॉलेज तो या डेफिनेटली डेवलप